हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा दूसरा दिन है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्लास टेंथ का। चैप्टर वन नाम क्या है उसका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा दूसरा दिन है, यानी कि पार्ट टू है। और आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन सा है? केमिकल इक्वेशन। और जो सेकेंड टॉपिक हमारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है, वो कौन सा है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कल की वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, और आज के इस वीडियो में जो हम सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। उसमें हमारा है सबसे फर्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताऊँ कि मैंने लिखा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है। लेकिन अभी तो चलो छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बड़े बड़े एलिमेंट्स आ रहे हो, हमको स्पेलिंग ना आ रही हो। तो उस टाइम पे क्या करें कि हम अपना काम, जो इंसान होते हैं वो हमेशा अपना काम क्या करते हैं, आसान करने की तरकीबें ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे हमारे साइंटिस्ट ने भी क्या किया, कुछ तरकीब ढूंढी जिससे कि हमको इतने बड़े बड़े जो ये मतलब वो होते हैं ना स्पेलिंग्स, वो ना लिखना पड़े। कैसे हम इस चीज़ को छोटे में आसानी से लिख सकते हैं? तो क्या हुआ कि जो केमिकल रिएक्शंस है उसको सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूलास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं मैग्नीशियम को Mg लिख दूं, ऑक्सीजन को O2 लिख दूं, ठीक है, फिर मैं लिखूं MgO, तो ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को जब मैंने सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसे हमने क्या कहा? केमिकल इक्वेशन। अब जो सेकंड टॉपिक वो हमारा क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम्स, मान लो रिएक्टेंट साइड अगर मैं काउंट करके बताऊं, इधर देखो मैग्नीशियम कितना इधर 1 है, और इधर मैग्नीशियम कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, मतलब ये दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। तो इसी हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम में क्या होता है, आपको अनबैलेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ होता है और आपको उसे बैलेंस करना होता है। अब सवाल सबसे पहले ये आता है कि आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? आपने 9th में एक लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पॉइंट आप रट के रख लो, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है। आप एनर्जी की जगह यहाँ पे मैटर लिख सकते हो कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना ही मैटर क्रिएट होता है और ना ही मैटर डिस्ट्रॉयड होता है। तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे भी तो उसको 2 होना चाहिए था ना, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, तो इसको भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, बट हो गया ना। तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। तो आज मैं आपको चुटकियों में बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना यही क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे देखो जरा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक टेबल बनानी है। यहाँ पे आप लिखोगे सिंबल, फिर लिखोगे यहाँ पे R फॉर रिएक्टेंट, में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, और यहाँ पे लिखोगे आप प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद से रिएक्टेंट फुल फॉर्म में लिख देती हूँ ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तो पता चल ही गया है, ये जो एरो बना है इधर क्या हमारा रिएक्टेंट साइड होता है और ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट साइड होता है। अब यहाँ पे छोटा सा क्या करो, टेबल बना लो। अब देखो सिंबल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम तो Mg लिख देते हैं, फिर हमारा क्या है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पर O लिख देती हूँ, ठीक है। अब काउंट करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 1, प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो मैं इधर लिख दूंगी कितना 1। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, रिएक्टेंट साइड तो ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1,
लो हो गई दिक्कत। अब देखो मैग्नीशियम तो हमारा ऑलरेडी बराबर है, रिएक्टेंट साइड जितना उतना ही प्रोडक्ट है, बट दिक्कत क्या है, जो ऑक्सीजन है वो इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 1 है। तो कभी भी हम कम नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर भी ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। कैसे करूँगी, जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो एज इट इज़ आप नीचे उतार लो, यहाँ पर लिखो Mg+O2 फिर MgO, ठीक है। अब देखो यहाँ पर O कितना है, 2 है, और यहाँ पर O कितना है, 1 है। मुझे इसको भी कितना करना है, 2 करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी नंबर यहाँ पर ऐड हम नहीं करते हैं, हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा नंबर जब ऐड करते हैं तो कहाँ करते हैं, सामने के साइड करते हैं, यहाँ पर। लेकिन अब देखो मैग्नीशियम, ये हमारा ऑक्सीजन, ये 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम आप कितना हो गया, 2। अगर मैं आपको दोबारा टेबल बनाऊँ, यहाँ पे बनाते हैं दोबारा टेबल, सिंबल रिएक्टेंट और इधर लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो फिर से लिखते हैं सिंबल कौन कौन सा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, बट अब इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो सपोज दैट कि 2 यहाँ पर होता तो ये 2 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का होता, लेकिन अगर ये 2 कहाँ पे है, सामने को है, तो ये जो 2 है ना ये मैग्नीशियम का भी है और ये ऑक्सीजन का भी है। तो अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगा दिया है तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट उसके साथ साथ जो हमारा मैग्नीशियम है ना वो भी कितना हो गया है, वो भी 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 था, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और ये जो आगे 2 है ये तो ऑक्सीजन का भी है, तो ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। तो अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट अब हमारा क्या हो गया, जो मैग्नीशियम था वो अब अनबैलेंस्ड हो गया। तो वापस इसको हम नीचे उतारते हैं, यहाँ लिखेंगे Mg+O2 फिर लिखेंगे 2MgO, और यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम कितना है, 2 है, तो मैं इधर भी कितना कर देती हूँ, 2। लो जी हो गया बैलेंस। अब देखो क्या हुआ, वापस यहाँ टेबल बनाते हैं, सिंबल ठीक है रिएक्टेंट और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट। सिंबल कौन कौन सा है, Mg है और O है। Mg रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है, और यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन इसका भी है ना, तो इधर कितना है, 2 है, यानी कि ये भी बैलेंस्ड और ये भी बैलेंस्ड, हैंस दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखा कितनी आसानी से हो गया। सो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। तो ये कैसे लिखा हुआ है, रिएक्शन के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम करेंगे इसे कन्वर्ट इक्वेशन में। कैसे करते हैं, इधर देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaOH टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Cu ब्रैकेट में OH2 प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। देखो बिना इक्वेशन में चेंज किए आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन में चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको इक्वेशन में चेंज करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट फिर भी आपने क्लास 9th में तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो आइडिया होगा ही। अब देखो क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, इसे सेम वैसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंबल, यहाँ पर R फॉर रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। सिंबल कौन कौन से हैं, Cu फॉर कॉपर, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, Na फॉर सोडियम, और O तो हमारा हो गया है ये, और H। देखो O यहाँ पे भी है और O यहाँ पे भी है, बट उसे हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो लाइन ड्रॉ करते हैं, अब काउंट करते हैं, कॉपर यहाँ पे कितना है, 1, और इधर कितना है, 1, तो 1 और 1। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1, और सल्फर यहाँ पर कितना है, 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, और एक ये वाला ऑक्सीजन भी, 5, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये कितना है, 2 ये और 4 ये, 4, 2, 6। देखो ये जो 2 है ना ये हाइड्रोजन का भी 2 है और ये ऑक्सीजन का भी 2 है, और यहाँ पे 4 तो है ही, यानी कि 2 ऑक्सीजन ये वाला और 4 ऑक्सीजन ये वाला, यानी 4, 2, 6, ठीक है। अब सोडियम काउंट करते हैं, यहाँ सोडियम कितना है, 1, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 2। ये जो 2 है ना ये सिर्फ किसका है, सोडियम का, तो यहाँ सोडियम कितना है, 2 है।
नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब देखो बैलेंस क्या क्या करना है, ये हमारा कॉपर बैलेंस है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सोडियम को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को है, यानी इन तीनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी बैलेंसिंग करना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस करना, बाकी कुछ अदर एलिमेंट्स होंगे तो उनको आप सबसे पहले बैलेंस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दे अगर, तो हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे पहले सोडियम। अब क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन है एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, लिखेंगे CuSO4 plus NaOH CuOH2 plus Na2SO4। ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे हम, सोडियम। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, तो सिंपली यहाँ पे भी सोडियम कितना कर देंगे हम, 2, ठीक है। अब वापस से क्या बनाएंगे, टेबल, यहाँ लिखेंगे सिंबल, फिर लिखेंगे रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट। कौन कौन से सिंबल हैं, ऊपर वाले रहेंगे CuSO Na और H, ठीक है। अब देखो काउंट करते हैं, Cu यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे भी कितना है, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट काउंट करते हैं सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे भी सल्फर हमारा कितना है, 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर देखो ये 4, और जो आगे हमने ये 2 लगाया है ये ऑक्सीजन का भी तो हो गया है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन तो पहले से 6 था, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये, यानी कि ये कितना हो गया, 6। नेक्स्ट सोडियम देखते हैं, सोडियम कितना है, 2, और यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 2, ठीक है, तो 2 और 2। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, ये जो आगे मैंने 2 लिखा है, मैंने पहले भी बताया था कि जो नंबर आगे होता है वो सबका होता है, तो ये सोडियम का भी है, ये ऑक्सीजन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो ये 2 है ये ऑक्सीजन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2। हेंस दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस्ड और ये भी बैलेंस्ड और ये भी बैलेंस, देखो कितने आसानी से हो जाता है। अब कितना देखने में खतरनाक लग रहा होगा, ओ माय गॉड ये सब क्या है, लेकिन आसानी से हो गया ना, तो बहुत सिंपल होता है। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करना, अगर नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, हमारा जो नया टॉपिक होगा और लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके अंदर हम कुछ इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, बस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।